हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले क्लास में हम लोग बात किए थे पैरेललोग्राम लॉ। हम बोले थे ने कि मेरे पास एक वेक्टर अगर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है, उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो दो वेक्टर का कॉमन इंटरसेक्शन से एक डायगोनल खींचना है। ये डायगोनल है आर, तो ये जो डायगोनल है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो डायगोनल है रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ये जो आर है इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हम बताए थे। तो इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। माने जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो इसका मैग्नीट्यूड का अगर बात करते हैं, इसके पास दोनों है रिजल्टेंट के पास। एक तो इसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। मैग्नीट्यूड माने कि हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर में मॉड लगाते हैं। तो उसका फॉर्मूला था रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर हम बोलते थे डायरेक्शन कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, तो हम बोलते थे कि देखो कि रिजल्टेंट वेक्टर ये जो r है ये किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो हम बोले वेक्टर a से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा निकाल देना है कि कितना डिग्री है, वेक्टर a से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका फार्मूला था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, हो गया। यही आपका था पैरेललोग्राम ला। हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे ट्रायंगल ला। हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रायंगल ला वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल ला में क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा मानते हैं, पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट को। If two vectors are represented, if two vectors are represent, if two vectors are represent two sides of a triangle, two sides of a ट्रायंगल। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब देखिए एक मेरे पास वेक्टर ए है, एक मेरे पास वेक्टर बी है। दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर मैंने एक ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन माने ये जो आपका वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और दोनों के पास डायरेक्शन भी होगा। पता लग ही रहा है कि माने एक वेक्टर का जो लेंथ है मैग्नीट्यूड को बताता है और एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है। देन रिजल्टेंट इज गिवेन बाई। एक बात और था थोड़ा सा इसमें, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक बात यहाँ से जोड़ देंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब होता है, टेकन इन सेम ऑर्डर कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का ये हेड है, तो वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल होना चाहिए, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल होना चाहिए। और फिर अगर वेक्टर बी है तो अगर सेम ऑर्डर में, अगर तीसरा वेक्टर भी अगर सेम ऑर्डर में होता, ठीक है ना, तो क्या करते, वेक्टर बी के हेड में वेक्टर सी का टेल होता, अगर सेम ऑर्डर का बात करते तब। जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी,
मेरे पास तीसरा वेक्टर है सी, मेरे पास चौथा वेक्टर है डी, मेरे पास चार वेक्टर है, मेरे पास चार वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, चारों एक ही ऑर्डर में है। वेक्टर ए का हेड में वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर बी का हेड में वेक्टर सी का टेल है, वेक्टर सी का हेड में वेक्टर डी का टेल है। इसको बोलते हैं कि जितना भी वेक्टर है सब एक ही ऑर्डर में है। तो हम बोलें कि इफ़ टू वेक्टर सारे हम ट्राइंगल ला पढ़ रहे हैं, कौन सा ला पढ़ रहे हैं ये हो जाओ, मतलब बात करेंगे फिर आगे चलकर हम पॉलीगन ला, अभी हम बात करें ट्राइंगल ला। तो ट्राइंगल ला क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो वेक्टर्स ठीक है ना, ट्राइंगल का साइड मतलब दो वेक्टर्स जो है एक ट्राइंगल का साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं कि एक मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है ना, जो कि एक ट्राइंगल का दो साइड है। अभी ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे पूरा, लेकिन अभी मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल का दो साइड है, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड कुछ ये होगा। तो एक ट्राइंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों वेक्टर, दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर बी के पास भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में है। एक ऑर्डर का क्या मतलब है, हम कहते हैं अगर दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में ज्वाइन है, इसका मतलब कि एक वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल है, देन टेकन इन सेम ऑर्डर हो गया, देन देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय, देन ए इज देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इस बात को याद रखिए कि अपोजिट ऑर्डर में, रिजल्टेंट होगा अपोजिट ऑर्डर में, लेकिन दो वेक्टर को करना है ज्वाइन सेम ऑर्डर में, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और तीसरा वेक्टर क्या होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर मतलब ये हो गया टेल टू टेल और हेड टू हेड। अगर मान लेते हैं कि सेम ही ऑर्डर में तीनों वेक्टर होता तो कुछ ऐसा होता, अगर मान लेते मेरे पास एक वेक्टर ए है, सही है, मेरे पास दूसरा एक वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर अगर सेम ही ऑर्डर में होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर बी का हेड खत्म हुआ है तो टेल यहाँ पर करते हैं, ये हो गया, सही है, ये है सेम ही ऑर्डर में, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों सेम ऑर्डर में है, क्योंकि वेक्टर ए का हेड में वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर बी का हेड में वेक्टर सी का टेल है, और वेक्टर ए के टेल में ठीक है ना और वेक्टर सी का हेड है। ये हो गया कि तीनों वेक्टर सेम ही ऑर्डर में है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। इसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर, नल वेक्टर जब पढ़ा रहे होंगे तो इस बात को बताए होंगे हम कि इसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर। तो ये तो हो गया नल वेक्टर, माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो गया जीरो। इसका बात हमको करना नहीं है, हमको इसका बात नहीं करना है, हम लोग ई पढ़ रहे, ई हुआ ट्रायंगल ला कि दो वेक्टर्स को एक ही ऑर्डर में, दो वेक्टर्स को एक ही ऑर्डर में माने ज्वाइन करना है और तीसरा वेक्टर को अपोजिट ऑर्डर में। तो ई जो है ना तीसरा वेक्टर, ये जो तीसरा वेक्टर है ये रिजल्टेंट हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, इसका बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलें कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, सही है, यही ट्रायंगल ला है। ट्रायंगल ला में आपको इतना समझना है, ठीक है ना, फिर से एक बार सुन लें, मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर एक ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में ज्वाइन होगा, ठीक है ना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो वेक्टर एक साइड का दो वेक्टर एक ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा और दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में ज्वाइन होगा, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देन ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का थर्ड साइड कौन है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाएंगे ये थर्ड साइड होगा, लेकिन मिलाना कैसे है, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल और उसके पास जो रिजल्टेंट होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा,
लेकिन अपोजिट ऑर्डर में उसको मिलाना है, उसको अपोजिट ऑर्डर में मिलाना है, मतलब कि यहाँ से इसको अपोजिट अपोजिट ऑर्डर में मिलाना है, तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा ए का और बी का, सही है, यही आपका ट्रायंगल ला है। फार्मूला देखते हैं कि अगर रिजल्टेंट ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। हालांकि फार्मूला सेम ही आएगा जो पैरेललोग्राम ला में पढ़े थे, आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वही फार्मूला यहाँ पर भी आएगा और डायरेक्शन का भी फार्मूला वही आएगा। इसको नोट कर लें, मतलब आप इसको नोट कर लें, इस स्टेटमेंट को और इस एग्जांपल को, ठीक है ना, इसको नोट करें फिगर को, और इसके बाद हम फार्मूला को ड्राइव करते हैं। हो गया है, अब फार्मूला को ड्राइव कर देते हैं। देखिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास दूसरा वेक्टर बी है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है जो कि है आर। तो हम क्या कहते हैं कि हमको तो इसका माने रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, सही है। और थोड़ा देखें आप, ई एंगल क्या है, ई एंगल है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग थीटा। अच्छा ई क्या होगा, ई तो होगा नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर में बताए थे कि सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए देखो कि दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक वेक्टर ये ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये है, ये ना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है ना, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है आपका, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है। दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है ना, दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये थीटा है, सही है। अच्छा तो हम क्या करते हैं कि अगर ये बी है और ये थीटा है, तो ये नहीं होगा बी कॉस थीटा, ये होगा लेंथ बी कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला ई लेंथ क्या होगा, बी साइन थीटा। पैरेललोग्राम ला में भी इस बात को बताए थे। तो हम बोलते हैं कि इसको बोलिए पी, इसको बोलिए क्यू, इसको बोलिए आर, और इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। ये पूरा लेंथ तो पता ही है, ये जो पी से आर तक लेंथ कितना है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, इतना लेंथ हुआ ए, इतना लेंथ हुआ बी कॉस थीटा, तो पूरा लेंथ हुआ ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लेंथ पता ही है बी साइन थीटा, ये पता ही है आर। हम कहते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पी क्यू को बोल सकते हैं हम लोग आर, ठीक है ना। तो R का स्क्वायर क्यू आर को क्या बोल सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर को हम लोग बोल सकते हैं बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस पी आर को क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, पी आर, पी आर को क्या बोल सकते हैं, पी आर को बोल सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। तो R का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माने ए का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, माने टू ए और बी, बी आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा, सही है। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा 2ab ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 2ab ए कॉस थीटा। तो r इक्वल टू क्या होगा, तो r इक्वल टू रूट ओवर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। देखिए फार्मूला तो वही आया, फार्मूला वही आया जो पैरेललोग्राम ला में आया था। फार्मूला तो एकदम सेम है, आपको सीखना है कॉन्सेप्ट ट्रायंगल ला होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल ला का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, बहुत सारा क्वेश्चन है ना कि पैरेललोग्राम ला से मुश्किल होता है बनाने में, तो ट्रायंगल ला से, कोई कोई क्वेश्चन ट्रायंगल ला से आसानी में बन जाता है, तो दोनों याद होना चाहिए, ट्रायंगल ला क्या होता है और पैरेललोग्राम ला क्या होता है, बाकी फार्मूला सेम है। जैसे अगर डायरेक्शन का बात करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम बोले कि वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, हम बोलते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका निकालिए टेन अल्फा, क्या निकालेंगे इसका टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू नहीं होता है फार्मूला, टेन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इसके सामने वाले योगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका बी साइन थीटा बटा बेस क्या है आपका पूरा ये बेस है परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, हो गया फार्मूला टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। मन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, पर आपको ऐसे ही याद रखना है, इसी को याद रखना है। अल्फा क्या है माने डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, सही है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, फार्मूला डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का, फार्मूला सेम है जो स्टार्टिंग में आपको समझाएं स्टेटमेंट, ठीक है ना, ट्रायंगल ला क्या होता है बस उसको याद रखें, और बाकी पैरेललोग्राम ला इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है ना, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बाकी तो आपको मतलब आपको ईमेल रूप से याद रखना कि पैरेललोग्राम ला क्या होता है, ट्रायंगल ला क्या होता है। पैरेललोग्राम ला में हम क्या बताए थे कि एक वेक्टर, ठीक है ना, ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ये टेल टू टेल ज्वाइन होता है, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते थे और यहाँ से डायगोनल खींचते थे, ई हुआ रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ई हुआ, ई हुआ पैरेललोग्राम ला। बाकी ट्रायंगल आपको मैंने दिख ही रहा है, बाकी हम लोग एक और पढ़ते हैं पॉलीगन ला, इसको पहले नोट करें उसके बाद हम लोग पॉलीगन ला पे चलते हैं। हो गया, ठीक है ना, इसको नोट करें, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पॉलीगन ला, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हेड टेल मेथड, क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड। इसका कोई फार्मूला वर्मूला भी नहीं आएगा, ये जो पॉलीगन लॉ है ना, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ला, ट्रायंगल ला जो पढ़ लिया ना, ट्रायंगल ला उसी का थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीगन ला। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं ना कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर बी, देखिए तो दोनों सेम ही ऑर्डर में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ही ऑर्डर में है, ठीक है ना, एक वेक्टर और हम ज्वाइन कर दिए, ये हो गया वेक्टर सी उसी ऑर्डर में, एक वेक्टर और हम ज्वाइन कर दिए डी उसी ऑर्डर में, चार वेक्टर है, तो अगर मान लेते हैं कि पांचवा वेक्टर उसी ऑर्डर में नहीं हम ज्वाइन करके अपोजिट ऑर्डर में अगर ज्वाइन करते हैं हम पांचवा वेक्टर, ये जो पांचवा वेक्टर है ई, ये जो पांचवा वेक्टर है ये अपोजिट ऑर्डर में है, चार वेक्टर एक ही ऑर्डर में और पांचवा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, तो हम बोलेंगे जो पांचवा वेक्टर है ये चारों वेक्टर का रिजल्टेंट है, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, माने ई रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम कर रहा है, ई रिजल्टेंट वेक्टर ही है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, चारों वेक्टर का ही सम हुआ, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे अगर मान लेते हैं कि पॉलीगन ला में क्या था, सॉरी ट्रायंगल ला में क्या था, ट्रायंगल ला सिर्फ दो वेक्टर के लिए था, जैसे अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला जो हम लोग पढ़े अभी, इससे सिर्फ दो ही वेक्टर का हो सकता है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तब हम लोग जोड़ सकते हैं ट्रायंगल ला से या फिर पैरेललोग्राम ला से, दो से अधिक वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर या फिर पांच वेक्टर, दस वेक्टर को अगर एक साथ जोड़ना है तो ट्रायंगल ला से या फिर पैरेललोग्राम ला से जोड़ना पॉसिबल नहीं है।
हम लोग पॉलीगन ला से जोड़ सकते हैं, रिजोल्यूशन वेक्टर करके रिजॉल्व करके जोड़ सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला दो वेक्टर के लिए होता है। ट्रायंगल ला में क्या बोले कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, बस दो वेक्टर से ज़्यादा का बात नहीं करना है। अगर दो वेक्टर का सम करना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो दोनों वेक्टर अगर एक ही ऑर्डर में है तो यहाँ से डायगोनल मिला लो, ये जो है आर होगा, माने दोनों वेक्टर का सम होगा। रिजल्टेंट माने क्या होता है कि दोनों वेक्टर का सम। तो ये जो है दो वेक्टर अगर एक ही ऑर्डर में है, तीसरा वेक्टर अगर अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम बोलेंगे जो अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दोनों वेक्टर का। इसी को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीगन ला, कि दो वेक्टर के अलावा अगर तीसरा वेक्टर, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, चार वेक्टर अगर एक ही ऑर्डर में है, चार वेक्टर अगर एक ही ऑर्डर में है, या फिर पांच वेक्टर या दस वेक्टर भी कर सकते हैं एक ही ऑर्डर में है, और अगर कोई एक वेक्टर भी अगर अपोजिट ऑर्डर में है तो वो रिजल्टेंट होगा जितना वेक्टर है सबका। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि अभी और वेक्टर डी के बाद और एक वेक्टर देते हैं, ये हो गया ई, एक ही ऑर्डर में ए बी सी डी ई, ई भी एक ही ऑर्डर में ज्वाइन कर दिए। मेरे पास एक और वेक्टर है एफ, सही है, इतना वेक्टर एक ही ऑर्डर में ज्वाइन किए हैं, तो अब ई भी स्पेस बचा है कि नहीं, तो ई जो स्पेस बचा है ना इसमें अगला वेक्टर जो ज्वाइन करेंगे एक ही ऑर्डर में नहीं, उलट के अगर कर देंगे हेड टू हेड और टेल टू टेल, ये अगर कर दिए तो ई जो हुआ ना, ई जो हुआ इतना सा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है इस सब का। मैंने अगर इसको R बोलते हैं तो R इक्वल टू होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E प्लस वेक्टर F, मैंने जितना वेक्टर है सबका ये रिजल्टेंट हुआ, सबका ये सम हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन ला। ट्रायंगल ला को ही इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है पॉलीगन ला वेक्टर डिविजन का। इसका क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं इसका कैसे यूज आएगा क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, कभी कभी यूज आता है ऐसे। तो अगर पांच वेक्टर को अगर चार वेक्टर को जोड़ना है तो हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कर देते हैं, ठीक है ना। इसी बार में सवाल भी ऐसा, अगर पॉलीगन ला से अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक वेक्टर ए है ड्रॉ है, वेक्टर बी ड्रॉ है, वेक्टर सी को ड्रॉ किए, एक वेक्टर को ड्रॉ करना आता ही है, वेक्टर डी को भी ड्रॉ कर दिए, वेक्टर ई को भी ड्रॉ किए, वेक्टर एफ को भी ड्रॉ किए, तो अगर सब वेक्टर एकदम ड्रॉ है मैंने सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है, सब वेक्टर को ड्रॉ कर दिए, तो ई जो है ना इसको स्केल से मेजर कर लेंगे कि इसका लेंथ क्या है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन क्या है मैंने वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, ये हो गया डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं पॉलीगन ला में कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, तीन वेक्टर अगर है, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तीनों वेक्टर को ड्रॉ करेंगे अच्छा से कॉपी में स्केल की मदद से, तीनों वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद ठीक है ना ये वाला लेंथ को मेजर कर लेंगे, ये वाला लेंथ को मेजर कर लेंगे कि लेंथ कितना है, इसको मिला देंगे, ये रिजल्टेंट है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का, और ये देख लेंगे कि कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से या वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, ये हो गया डायरेक्शन इसका, सही है। तो इस प्रकार से आपको पॉलीगन ला को समझना है। पॉलीगन ला मतलब ट्रायंगल ला जैसा ही है, ट्रायंगल ला सिर्फ दो वेक्टर के लिए था, पॉलीगन ला दो से अधिक वेक्टर के लिए काम करता है। इसको बोलते हैं हम लोग हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड बोलने का पीछे का कारण है क्योंकि वेक्टर ए का हेड में वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर बी का हेड में वेक्टर सी का टेल है, वेक्टर सी का हेड में वेक्टर डी का टेल है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है, इसी कारण बोलते हैं हम लोग हेड टेल मेथड। तो पॉलीगन ला वेक्टर एडिशन हो गया, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने का बारी है, तो इसको नोट करें, फिर कुछ क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने के लिए ने आपको दो बात याद रखना पड़ेगा, ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला जो भी पढ़ाएं कैसे ड्राइव हुआ फार्मूला, उससे कोई लेना देना नहीं, फार्मूला क्या है उसको सिर्फ आप याद रखें, ठीक है ना। फार्मूला था आपका R इक्वल टू, ठीक है ना, दो फार्मूला था, R इक्वल टू था रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। फार्मूला को याद रखें, रिजल्टेंट का फार्मूला है, डायरेक्शन का फार्मूला ये आपका टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, फार्मूला को याद रखना है।
बाकी कुछ क्वेश्चन आपका एक दो को हुआ होगा हल्का हल्का क्वेश्चन, जब पैरेललोग्राम ला इससे पहले वीडियो में हो रहा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बाकी अभी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। मान लेते हैं कि मेरे पास एक फोर्स है, मैंने दो फोर्स है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, दूसरा का मान लेते हैं 5x, और इसका रिजल्टेंट है 28 न्यूटन। तो इसको पहले लोग ग्राम कंप्लीट करते हैं। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 28 न्यूटन। इफ़ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री, अच्छा दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इच फोर्स, मैंने दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो बाकी फार्मूला पता ही है, आर का फार्मूला नहीं होता है कि रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रूट ओवर ए कितना है 3x, 3x का स्क्वायर मैंने 9x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5x का स्क्वायर मतलब कि 25x का स्क्वायर, प्लस 2 × 3x और × 5x cos, यहाँ पर 60, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। आर कितना है 28, तो 28 इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पर 15 और 9 कितना मतलब 25x का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 9 मैंने 24x का स्क्वायर, तो 28 इक्वल टू रूट ओवर मतलब 49x का स्क्वायर, सही है। तो 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इक्वल टू 4, हालांकि मैंने प्लस माइनस होता है तो ये प्लस माइनस 4 होगा, x का मान भी दो मैंने प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस मान पर ही ध्यान देना है हमको, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्टेंट जब भी आएगा दोनों, ठीक है ना, रिजल्टेंट अगर दोनों मान ले भी लेंगे तो रिजल्टेंट तो हमेशा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव आएगा, रिजल्टेंट या वेक्टर, वेक्टर का अगर बात करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। x इक्वल टू 4, तो अब बाकी आप बता दीजिए कि अगर ये वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 3 × 4 माने 12 न्यूटन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 × 4 माने 20 न्यूटन, सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसको नोट करें, फिर सेकंड क्वेश्चन होगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं लेकिन उससे पहले एक बात पढ़ते हैं, स्पेशल केस, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशल केस, केस फर्स्ट, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ऐसे तो सिंपल आर स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos यहाँ पर 0 डिग्री, cos 0 का मान क्या होता है, ठीक है ना, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान होता है 1, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, cos 0 का मान होगा 1 इंटू 2ab हो जाएगा, तो आर इक्वल टू, ठीक है ना, रूट ओवर लिख ही सकते हैं, और देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो आर इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी। तो इस बात को याद रखें, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सम कर देंगे, और यही मैक्सिमम मान होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये मैक्सिमम मान होता है, दो वेक्टर को अगर सम कर रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में कभी दिए होंगे याद होगा आपको, कि अगर मान लेते हैं कि ये 4 मीटर है
और ये मान लेते हैं कि 3 मीटर है, सही ना, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, ये कितना होगा 5 मीटर। तो दो वेक्टर को सम किए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, 4 मीटर 3 मीटर को सम किए तो 5 मीटर आया, कभी 4 मीटर और 3 मीटर को सम करेंगे तो 6 मीटर भी आएगा, कभी 4 मीटर और 3 मीटर को सम करेंगे, ठीक है ना, तो 6.5 मीटर भी आएगा, कभी 4 मीटर 3 मीटर को सम करेंगे, ठीक है ना, तो 5 से कम भी आ सकता है। और ये बताए थे कि अगर मान लेते हैं कि ये 4 मीटर है, 3 मीटर को अगर ऐसे करते हैं ये क्या होगा मान, ये मान अभी 5 से ज़्यादा आएगा। अगर मान लेते हैं कि ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये 5 से छोटा होगा। तो 4 मीटर 3 मीटर को जोड़ेंगे तो बहुत सारा मान आ सकता है, हम बताएं कि दो वेक्टर को जोड़ने के बाद बहुत सारा मान आ सकता है, इन्फिनाइट मान आ सकता है, लेकिन 4-3 का मैक्सिमम मान क्या होगा, 4-3 का मैक्सिमम मान आएगा जब अगर मान लेते हैं ये 4 मीटर है और ये मान लेते हैं 3 मीटर है, ये सीधा सीधी जोड़ रहे हैं, सीधा सीधी जोड़ रहे हैं, मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। देखिए ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल के लिए क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, ये आपका 4 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करिए, तो ये आपका 4 मीटर है, ठीक है ना, ये आपका 4 मीटर है, ये 3 मीटर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर ये 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर है, ये टेल टू टेल ज्वाइन है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, छोटा एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो याद रखना है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होता है ना, a+b होता है, सिंपल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैंने दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सम करेंगे, यही मैक्सिमम मान है। दो वेक्टर अगर दो वेक्टर ए भी है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कभी भी इससे बड़ा मान नहीं आ सकता है, जैसे दो वेक्टर 4 था 3 था, तो जो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो 7 मीटर से बड़ा मान कभी नहीं आ सकता है, 4-3 का जो मैक्सिमम मान आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो हमेशा 7 मीटर ही होगा, 7 मीटर से ज़्यादा। अगर कोई पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन कि 4 मीटर और 3 मीटर को हमको सम करना है, एक वेक्टर है, 4 मीटर भी वेक्टर है, 3 मीटर भी वेक्टर है, सम करना है, क्या इसका मान कभी आ सकता है 8 मीटर 9 मीटर 10 मीटर, तो देखकर ही पता लग रहा है नहीं आ सकता है, क्योंकि 4-3 का जो सबसे बड़ा मान आएगा 4-3 7 आएगा, 4-3 का सबसे छोटा जो मान आएगा 4-3, इसका सबसे छोटा मान क्या आएगा, तो 4 मीटर माइनस 3 मीटर होगा 1 मीटर, तो इस सबसे छोटा मान हुआ 4 मीटर 3 मीटर का, इससे छोटा मान नहीं आ सकता है। कोई पूछ देगा कि बताओ 4 मीटर 3 मीटर को जोड़ेंगे, 4 मीटर प्लस 3 मीटर को जोड़ेंगे तो सबसे छोटा मान क्या आएगा, तो 1 मीटर आएगा। अगर कोई कह देगा क्या 1 से भी छोटा, माने 0.001 या 0.01 ऐसा कुछ मान आ सकता है, तो नहीं आ सकता है, 1 ही सबसे छोटा मान है। तो इस सब बात को याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत आसानी माने आसान होगा क्वेश्चन करना, इस सब बात को याद रखेंगे तो। केस सेकंड का बात करते हैं, केस सेकंड, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, थीटा इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, तो क्या होगा, देखते हैं, आर इक्वल टू फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर तो 180 लेना है, ले लेते हैं, तो आर इक्वल टू रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस 180 का मान होता है -1, कॉस 180 का मान -1, तो यहाँ हो जाएगा -2ab, तो आर इक्वल टू रूट ओवर, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो नहीं लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r इक्वल टू हो गया a माइनस बी। तो इस बात को याद रखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, या दो वेक्टर को ऐसा 180 डिग्री अगर होता तो क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट निकालना है, तो a माइनस बी कर देंगे, ठीक है ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को घटा देंगे तो यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये सबसे छोटा मान होगा, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उससे भी छोटा मान कभी आना पॉसिबल नहीं है, ये मिनिमम मान होगा रिजल्टेंट का, सही है, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो सबसे छोटा मान आएगा। तीसरा केस थर्ड मैंने थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, आर का फॉर्मूला पढ़े ही है रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करना है, सही है, क्या पुट करना है 90 डिग्री, तो आर इक्वल टू रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान 0, 0 गुना 2ab तो पूरा 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि रूट, मैंने जो अंडर रूट है
इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसी को याद रखना है। कि अगर मान लेते कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ए पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देना है। इतना करने का जरूरत नहीं कि फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा के मान रखेंगे, डायरेक्ट इसको लगाना है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड माने 4 मीटर है, एक वेक्टर है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, इसका दोनों का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर बोले कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा, पैरेललोग्राम ला है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 4 है 3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, क्योंकि दोनों का माने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। इस तीनों केस को याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को नोट करें, फिर एक क्वेश्चन होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। मान लेते हैं कि एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं F1 और दूसरा फोर्स को हम लोग बोलते हैं F2। एक फोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो फोर्स F1 और एक F2 है। द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट माने क्या, माने दो फोर्स का सबसे बड़ा रिजल्टेंट। तो हमने बोले कि दो फोर्स का सबसे बड़ा रिजल्ट माने कि F1 प्लस F2 करना होगा तभी आएगा। अभी तो बताएं कि दो वेक्टर का सबसे बड़ा रिजल्टेंट जो होता है, दोनों को सिंपल सम करना पड़ता है, F1 प्लस F2। तो द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, लीस्ट रिजल्टेंट कब होगा, माने सबसे छोटा रिजल्टेंट माने F1 माइनस F2 करना होगा। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। दो फोर्स का ग्रेटेस्ट माने रिजल्टेंट है 10 न्यूटन और दो फोर्स का लीस्ट रिजल्टेंट है 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ इच फोर्स इंक्रीज्ड बाई 3 न्यूटन, अच्छा फोर्स को मैंने 3 न्यूटन, प्रत्येक फोर्स को F1 और F2 को अगर 3 न्यूटन हम बढ़ा देते हैं, पहले देखते हैं F1 F2 है क्या, बढ़ाना बाद में बढ़ा देंगे, इसको तो कैंसिल हो जाएगा, 2F1 इक्वल टू हो जाएगा 16 न्यूटन, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 8 न्यूटन। F1 अगर 8 न्यूटन है, F1 कितना है 8 न्यूटन, F2 कितना होगा, तो F2 निकाल देंगे, इसको मैंने पुट करते इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, F1 प्लस F2 इक्वल टू है अगर 10 न्यूटन, F1 है 8 न्यूटन प्लस F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, तो F2 इक्वल टू कितना होगा 2 न्यूटन, ये है आपका 2 न्यूटन। अब कहता है क्वेश्चन कि इफ इच फोर्स इज इंक्रीज बाई 10 न्यूटन, दोनों फोर्स को 3 न्यूटन बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं, मैंने F1 फोर्स को बढ़ाएंगे अगर 3 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 8 3 11 न्यूटन। F2 फोर्स को भी बढ़ाएंगे 3 न्यूटन, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5 न्यूटन, सही है। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों फोर्स F1 F2 है ने, उसको अगर 3 न्यूटन बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स, तब न्यू फोर्स का रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो कहता है कि दोनों फोर्स, अभी जो F1 और F2, मैंने F1 F2 क्या कहना है, न्यू फोर्स है, F3 बोल दीजिए, इसको F4 बोल दीजिए, तो F3 है F4 है, अभी जो फोर्स है 90 डिग्री पर काम कर रहा है, मैंने दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तब कहता है इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो बाकी तो आपको पता ही है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R का स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो आपको पता ही है ये आपका है अगर 11 और ये है अगर 5, तो क्या होगा देख लीजिए, R का स्क्वायर इक्वल टू मैंने 11 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर होगा लगभग 121 न्यूटन लगता है ने, 5 का स्क्वायर लगभग होगा 25 न्यूटन का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 1 6, यहाँ पर हो जाएगा
चार यहाँ पर हो जाएगा बन, इतना न्यूटन का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू होगा रूट ओवर 146 न्यूटन, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा, आर इक्वल टू रूट ओवर 146 न्यूटन, यही आंसर है। सही है, क्या किए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा था कि दो फोर्स है F1 F2, दोनों फोर्स का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट पता है, दो फोर्स का लीस्ट रिजल्टेंट पता है, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट माने कि F1 प्लस F2, लीस्ट रिजल्टेंट माने F1 माइनस F2, F1 F2 का मान निकाल लिए, अगर F1 पता है F2 पता है, अगर कहता है कि अब दोनों फोर्स में तीन माने दोनों फोर्स को बढ़ाना है 3 न्यूटन, तो 8 3 11 और 2 प्लस 3 5 न्यूटन, अब कह रहा है कि दोनों फोर्स किसी पॉइंट पर काम कर रहा है, किसी पॉइंट पर दोनों फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकाल लिए। सही है, ठीक है ना, इसको नोट करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है टू इक्वल फोर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मैंने दो इक्वल फोर्स हैं, एक फोर्स को मान लेते हैं F1 और दूसरा फोर्स को मान लेते हैं हम F2, दोनों इक्वल है, मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं x है, कहता है कि ये जो फोर्स F1 है और ये जो फोर्स F2 है, F1 F2 फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट है ये जो R है, मान लेते रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट भी बराबर ही है, क्या कह रहा है, टू फोर्स टू इक्वल फोर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, इसका जो रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट है ये भी x ही है, अगर इसका मैग्नीट्यूड x इसका मैग्नीट्यूड x, तो रिजल्टेंट भी मैंने लिखा हुआ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मैंने रिजल्टेंट ये दोनों का मैग्नीट्यूड में से ही मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वही है, तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है x है, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है x है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा x होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी x ही है। सही है, तो कहता है कि एट व्हाट एंगल आर द इंक्लाइन, मैंने दोनों के बीच का एंगल बताना है कि F1 F2 के बीच का एंगल क्या है, तो बाकी फार्मूला आप लगा सकते हैं कि r का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, r आपका कितना है x का स्क्वायर, a आपका x का स्क्वायर प्लस 2 × x × x, यहाँ पर cos थीटा, थीटा तो निकालना ही है, x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर cos थीटा, 2x स्क्वायर इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर cos थीटा, तो हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा, कैंसल माने माइनस 1/2 इक्वल टू होगा cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या cos 120 का मान माइनस 1/2 होता है, तो थीटा इक्वल टू होगा 120 डिग्री, cos 120 का मान होता है, cos 120 का मान होता है माइनस 1/2, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो मैंने दोनों एक फोर्स अगर F1 है तो दूसरा फोर्स कुछ ऐसा होगा F2, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये तो लग रहा है जैसे 90 डिग्री है, तो हमको तो पता था नहीं उस समय कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री। सही है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है अभी और क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस इसके बाद का जो क्लास होगा वीडियो होगा उसमें सिर्फ शायद क्वेश्चन ही करवा देंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट भी अभी बहुत बाकी है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसके अलावा भी कुछ बाकी है, ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको रिवीजन करें, ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।